हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्रीराम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 कक्षा 6 के लिए। आपने अगर जो नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर रखा है तो आपके जो 29 अप्रैल को पेपर होने वाला है उसके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन नवोदय में हो, तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पेपर किस प्रकार का आएगा, कैसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सभी की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पूरा ये आपके पेपर है, 29 अप्रैल को जो आपके पेपर होने वाला है इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन आएंगे। इन सभी को आप देख लेंगे तो आपका जो सिलेक्शन है बहुत ही आसानी से हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना ताकि आपको जो अच्छे से फायदा मिल सके। पूरा पेपर सोल्व करेंगे आपका जो 29 अप्रैल को होने वाला है उसके लिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक और वीडियो आने वाला है तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके जो पेपर होगा वो टोटल 100 नंबर का पेपर आएगा और आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपके 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, मानसिक योग्यता परीक्षण, अंकगणित और भाषा परीक्षण। एक तो आपके चित्र वाले प्रश्न आएंगे, डायग्राम वाले, जिसमें आपके जो 40 प्रश्न आएंगे 50 नंबर के, और बाकी जो 40 प्रश्न आएंगे उसमें 20 प्रश्न आपके आएंगे गणित के और 20 प्रश्न आपके हिंदी के आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके, वैसे तीनों ही इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे आसान है आपका ये चित्र वाला, सबसे आसान है चित्र वाला। और इसको अगर आप समझ लेते हो तो आपके जो अच्छे नंबर आने वाले हैं। फिर इसमें गणित के भी आसान से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा इसमें लेवल बढ़ाया जाता है। और हिंदी तो बिल्कुल आपके जो आपने तैयारी की है 5वीं बोर्ड की उसमें आपके जैसे पढ़ाया जाता है उसमें से ही आपके प्रश्न बैठ जाते हैं। तो आपके टोटल 80 प्रश्न आएंगे और आपके फिर इसमें 100 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आपका जो पहला भाग है खंड अ, मानसिक योग्यता परीक्षण मेंटल एबिलिटी, तो इसको हम इसमें सोल्व कर लेते हैं। तो पहला भाग है आपके मानसिक योग्यता परीक्षण। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें देखो आपको चित्र दिए होंगे और चित्र के से आपके प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले ऊपर जो लाइन दे रखी है इसके निर्देश को अच्छी प्रकार से पढ़ना है ताकि आपको जो समझ में आ जाए कि इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो हम पहले इसको पढ़ लेते हैं निर्देश को। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं और इन चारों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि 1 चित्र जो इसमें है वो अन्य से भिन्न है। तो अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें और अपने उत्तर दर्शाने के लिए OMR में आपको संगत प्रश्न का विकल्प वृत्त को गोला करना है। तो आपको गोला बनने के लिए ये कह रहा है कि इसमें 4 ये चित्र दिए गए हैं, इसमें आपको देखो 3 तो 1 समान है, 3 जो है वो तो आपके 1 समान होंगे लेकिन 1 कौन-कौन इसमें अलग है वो आपको इसमें बताना है। तो देखो इसमें अलग कौन सा है वो हम देख लेते हैं। देखो इसमें 3 डॉट, ये 3 डॉट, ये 3 डॉट और ये 3 डॉट, इसके आधार पर ही आपको जो अलग बताना है। तो देखो ये जो 3 डॉट लगे हुए हैं, 1 डॉट तो अंदर है और 2 डॉट बाहर है, ये 1 डॉट अंदर है 2 डॉट बाहर है, ये 1 डॉट अंदर है 2 डॉट बाहर है, तो ये तीनों तो एक जैसे हो गए। इसमें देखो ये थोड़ा मुड़ा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 लगातार है और फिर 1 इसके ऊपर है, ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे, जबकि बाकी के सब जो इस प्रकार से बने हुए हैं। तो ये वाला अलग हो जाएगा फिर आपके ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें आपको अलग ढूंढना है कि अलग कौन सा इसमें, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3, तो सी वाला उत्तर इसमें आपके सही हो जाएगा। और आपको पेपर में जो इससे OMR सीट आएगी उसको सी वाले के ऊपर गोला भर देना, और गोला बिल्कुल ध्यान से भरना है, हल्के से आपको इस प्रकार से पूरा गोला भरना है। OMR सीट में आपको राइट का निशान नहीं लगाना है, वहां पर आपको एक गोला ही भरना पड़ेगा, व्रत को बनना पड़ेगा। फिर ये देखो दूसरा, इसमें भी आपको इसी प्रकार से 4 चित्र दे रखे और 1 इसमें अलग है। देखो इसमें अलग कौन सा है वो देख लो, इसमें छोटी छोटी लाइनें, फिर बड़ी, फिर बड़ी और फिर सबसे बड़ी, छोटी बड़ी फिर बड़ी और सबसे बड़ी, छोटी बड़ी बड़ी और सबसे बड़ी, तीर की तरफ है जो सबसे बड़ी आ रही है, ठीक है, तीर की तरफ सबसे बड़ी है, इसमें भी तीर की तरफ सबसे बड़ी है, तीर की तरफ सबसे बड़ी है, तीर की तरफ सबसे बड़ी है, लेकिन इस आकृति को देखो इसमें तीर की तरफ सबसे छोटी है, तो यही हो जाएगी फिर अलग हमारी। तो इसका भी उत्तर आपके सी ही आएगा, तो इसका उत्तर भी हम क्या करेंगे, सी करेंगे। फिर आपके तीसरा प्रश्न है, इसमें देखो क्रॉस, देखो इसमें कितने क्रॉस हैं, इसमें 4 क्रॉस हैं, 1, 2, 3 और 4, इसमें भी 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, इसमें कितने और हैं, इसमें और है देखो आपके 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें 5 क्रॉस और है, इसका मतलब बाकी सब में तो 4-4 है और इसमें 5 है, तो अपना उत्तर यही वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला आपको देख लेना है। तो इस प्रकार से आपको ये अलग बता देना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके, इसका उत्तर हो जाएगा आपके बी। तो इसको आप इस अच्छी प्रकार से समझ लेना। अगला प्रश्न देखो ये वाला, इसमें दे रखा है कि इसमें देखो ये टोटल ये आपके एक चौकोर डिब्बा है और इसमें 4 डिब्बे बने हुए हैं, इसमें कितने 4 डिब्बे,
एक दो तीन और चार, एक दो तीन और चार, एक दो तीन और चार, इन सब में चार चार है, चार टुकड़े इसके, चार टुकड़े इसके और चार टुकड़े इसके। इसमें देखो कितने हैं, एक दो और तीन ही है, इसमें आपके तीन ही है, तो अलग कौन सा हुआ फिर, ये तीन वाला अलग हो जाएगा, तो अपना उत्तर कैसा हो जाएगा, ये तीन वाला हो जाएगा। ठीक है, अपना आंसर हो जाएगा आपके डी वाला, बाकी जो तीन है वो तो आपके एक जैसे हैं। तो ऐसे आपको जो अलग निकालना है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके जो चार प्रश्न आगे वो अलग आएंगे, इसमें क्या दे रखा है, ये भाग दो में आपके अलग अलग प्रश्न पूछे गए कि पांच से आठ में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गए हैं और दाईं ओर एबीसीडी में चार नंबर दे रखे हैं और इन प्रश्नों के उत्तर समरूप बताना है, समरूप सिमिलर, सेम टू सेम आकृति बतानी कि उसके जैसी आकृति कैसी दिखाई देगी, है ना। तो इसमें आपको क्या है, सिमिलरिटी वाले, ऐसा जो आपको इसमें से ढूंढ के बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा है। तो देखो जैसे पहले वाला है, तो पहले वाले में ये ऊपर तो आपके ये वाले तो सब में है, ऊपर तो ये तो सब में है, फिर इसका हम ये वाला चेक करते हैं, ये वाला है ना, ये यहाँ पे ये इसके हाथ, एक हाथ देखो ये वाला, तो ये वाला हाथ इसमें तो ऊपर है, इसमें नीचे हो रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी नीचे और ये बिल्कुल सीधा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो देखो इसका केवल एक हाथ से ही पता चल रहा है इससे कि ये केवल आपका ऑप्शन नंबर जो आपके एक है उसी में दिखाई दे रहा है, बाकी तो सभी में इसका हाथ नीचे है, इसका भी नीचे है, इसका ऊपर है और इसके ये दोनों है, तो ये तो आपके बिल्कुल इसका जैसा जो आकृति वो बिल्कुल सेम टू सेम आकृति आपकी पहली दिखाई दे रही है, सेम आकृति आपकी फर्स्ट वाली हो जाएगी, बाकी और कोई आकृति सेम है इसके जैसी नहीं है। फिर ये देखो एक दो तीन, एक दो चार, ठीक है, तो ऊपर देखो एक दो चार किस में है, एक दो तीन गलत हो जाएगा, एक दो नौ गलत हो जाएगा, एक दो चार ठीक है, एक दो चार ठीक है, यानी कि ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत हो गए। अब देखो तीन पाँच आठ, तीन पाँच नौ, अब इन दोनों में से देखना कौन अपना सही उत्तर है, तो ये तीन पाँच नौ है यहाँ पे और हमें यहाँ पे कितना चाहिए, आठ चाहिए, तो आठ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अपना जो उत्तर है वो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी वाला ऑप्शन होगा। इस प्रकार से आपको सिमिलर आकृति डायग्राम देखना है, इसके जैसा इस हूबहू आपको इसमें देखना है तो ये वाला मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपका, फिर अगला प्रश्न है इसके जैसे आकृति देखनी, हूबहू सेम टू सेम आकृति, देखो इसमें कितनी लाइन है, इसमें आपके यहाँ पे दो लाइन है, इसके तीन लाइनें दिखाई दे रही है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, इसमें भी तीन लाइनें दिखाई दे रही है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसमें एक ही लाइन है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखो आपको दिखाई दे रहा है ये वाली दो लाइनें यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो इसमें तो दो, इसमें तीन है, इसमें भी तीन और इसमें एक है, तो ये तीन तो वैसे ही गलत हो गए, जो बचा हुआ है वो अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको जब अपना उत्तर निकालना है, मैं हर प्रश्न को आपको सही करने की कोशिश करूंगा कि आप जो वहाँ पे सही करें, तो इसी प्रकार से वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखना ताकि आपको जो पूरा फायदा मिल सके। तो अपना आंसर इसमें क्या आ जाएगा, ये वाला देखो, ये इसमें बिल्कुल सही है और ये वाली आकृति मिला भी के भी देख सकते हो, ये वाली आकृति केवल इन दोनों में ही है, इन दोनों में ही है, ये तो गलत है पहले से ही, इन दोनों में ये वाली आकृति, तो इसमें देखो आप कि यहाँ पे ये एक लाइन और नहीं है, तो इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा दे रखी है, ठीक है, ये वाली लाइन ये पूरा मिलान कर रखा है, तो ये आपका ये वाली आकृति तो नहीं होगी, उत्तर आपका बी वाला ही होगा। ऐसे अपने अनुसार इसको जो सिमिलर आकृति चेक करनी है, ये देखो ये नाव जैसी आकृति, इसमें देखो नाव जैसी आकृति में ये वाला इसके नीचे हो रही है, इसकी जंडी जो है वो तो नीचे है और ये यहाँ से ऊपर हो रहा है, तो यहाँ से तो ऊपर है और ये ऊपर से नीचे, देखो ऊपर से नीचे और इस साइड में है, ये इस साइड में देख रहा है, तो ऐसा ये तो गलत हो जाएगा, उधर देख रहा है ये तो बिल्कुल ही गलत है। फिर इसके नीचे वाले में देखो ये इधर देख रहा है, तो इधर देखने में अब ये तीनों इधर देख रहे हैं, फिर आपके इसमें देखो ये वाला ये ऊपर वाला है, तो ऊपर किस में हो रहे हैं, तो ऊपर में आपके ये इसमें ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, इसमें आपके नीचे, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें एक ऊपर है और एक नीचे, ये भी गलत हो जाएगा, तो तीन इस प्रकार से गलत हो गए। तो सही आंसर कौन सा बचा अपना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको जो अपने उत्तर को निकालना है, आपको निकालना सीखना है, आपके प्रश्न सेम टू सेम आएंगे ऐसे कैसे ही, केवल आपको उत्तर को निकालना सीखना है। फिर आपके पाँच से आठ में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, दाईं ओर एबीसीडी में चार उत्तर दिए गए हैं, इनमें से समरूप आकृति को चुनने और इसमें वापस वही सेम क्वेश्चन आ गया, इसको आगे देखते हैं। ये वाला देखो भाग तीन में, इसमें आपको 9 से 12 तक बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दे रखा है और जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, यानी कि ये जो भाग इसमें टूटा हुआ है इसको पूरा करना है, इसको पूरा करने के लिए आपको इसमें से उत्तर ढूंढना है। तो यहाँ पर देखो कैसे आकृति है, यहाँ पर एक आकृति मिलान कर लेते हैं, इसकी आकृति कैसे आएगी, इसको मिलान करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा, एक तो एक आपके ऊपर वाली लाइन मिलेगी ये, यहाँ से इसके बीच में जीरो आएगा, फिर इसके बीच में एक और लाइन आएगी और फिर इसको मिलान करना है, तो ऐसी आकृति आपकी मिलनी चाहिए। तो देखो ये जीरो इसके
पास में है, तो ये जीरो तो इसके पास में तो नहीं है, यहाँ तो यहाँ वाला तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, ये दो वाला है तो ये भी गलत हो जाएगा, और ये आपका उल्टा दे रखा है, इस साइड में नहीं आएगा, ये नीचे की अंदर की ओर आएगा, तो ये भी आपके गलत हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपके तीसरा। अगला प्रश्न है, इस आकृति को पूरा करना है, तो इस आकृति में देखो ये आकृति गोल आएगी, ये भी गोल आएगी और एक डंडा आएगा, फिर इसमें वापस ये वाला आएगा। तो ऐसी आकृति देख लो कहाँ पे दिखाई दे रही है, ये और फिर लाइन और फिर वापस ये वाली, तो ये आपको इसमें दिखाई दे रही है देखो ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ये डिब्बा पूरा करना है तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे काला वाला, यहाँ पर आपको काला देखना है, तो यहाँ पे काला कहाँ पे, एक तो इसमें है और एक इसमें है, ये वाला तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ये तो उस साइड में दे रखा है, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से कौन सा उत्तर अपना सही है। इसमें देखो काले के बाद में एक वाइट पट्टी है, तो काले के बाद में वाइट पट्टी दोनों में है, फिर एक ये लाइन दे रखी है, ये जो लाइन है इसमें लाइन आपके इस तरफ से आ रही है, ये इस तरह से लाइन खींची हुई है, ठीक है, ये लाइन इस तरह से, जबकि इसमें लाइन आपके इस तरह से, ये इस तरह से वाला तो गलत हो जाएगा, अपनी लाइनें इस तरह से हैं, ठीक है, ये लाइनें आपकी इस तरह से खींची गई है, तो इसमें आपको वैसा ही देखना है, तो इसका उत्तर फिर आपके डी और ए में से ए वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है, इसको अच्छी प्रकार से देख लेना। अच्छा, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और अपने जो राज्य का नाम है वो बताना, आप ग्रामीण से हैं या फिर अपने रूरल से या फिर अर्बन से हैं, ये भी आप बताना, और अपने जिले का नाम कमेंट करके और अपना नाम है जो कमेंट जरूर करना। अगला प्रश्न है 12वां, इसमें आपको ये आकृति पूरी करनी है, तो यहाँ पे ये आकृति पूरी करने के लिए वापस सेम इसी प्रकार से ये तीन डिब्बा वाला आएगा, इस प्रकार से आकृति आएगी ये, तो ऐसी आकृति आपको देखनी है, तो ऐसी आकृति आपको कहाँ पे मिलेगी, ऐसी आकृति आपके ऑप्शन नंबर ए में दिखाई देगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला तो नहीं होगा ये, क्योंकि ये तो इधर जा रही है, तो ये तो आपके इसमें नहीं होगा, ये इधर वाली लाइनें आपके इस तरह से ही आ रही हैं, तो इसमें केवल यही ऑप्शन, बाकी तो तीनों ही गलत हैं, तो उत्तर हो जाएगा आपके पहला ऑप्शन के उत्तर फर्स्ट। प्रश्न संख्या ये भाग चार में आपको 13 से 16 तक आपको तीन प्रश्न दिए गए हैं, इसमें आपको चौथे नंबर का जो चित्र इसमें स्थान छोड़ रखा है, तो श्रेणी क्रम ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, इसको आगे बढ़ाना है, इसमें आगे क्या आएगा, आप तीन चित्र दे रखा है, इनको देखते हुए आपको बताना है कि चौथे नंबर पे क्या आएगा। तो देखो इसमें एक बॉल है जिसमें लाइन खींची हुई है, एक बिना लाइन की बॉल है, फिर इसमें तीन बॉल है, देखो पहले बॉल की संख्या गिनो, तो बॉल की संख्या दो है, तीन है और चार है, तो अब कितनी आएगी, अब आपके पाँच आएगी, तो ये तो हम कन्फर्म हो गया कि आपके जो नंबर आएगा उसमें पाँच बॉल होनी चाहिए, ठीक है, ये तो इसमें आपकी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ देखो, तो पाँच पाँच तो सब में है, ये पाँच पाँच तो आपको सब में दिखाई दे रही है, अब आपको क्या करना है कि ये क्रम देखना है, देखो इसमें लाइन वाली बॉल है, फिर आपके बिना लाइन वाली, लाइन वाली तो अब कहाँ कौन सी आएगी, यहाँ पे बिना लाइन वाली आएगी, लाइन बिना लाइन, लाइन बिना लाइन, तो बिना लाइन वाली इसमें कौन सी है, तो बिना लाइन वाली देखो एक दो और ये तीन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आपके जो यहाँ पे वो तो गलत हो जाएगा सी, तो अब हम क्या करेंगे, इधर देखते हैं, इधर में बिना लाइन, लाइन बिना लाइन, अब आएगा आपके लाइन वाला, ठीक है, यहाँ पर लाइन वाला आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर आपके ये बिना लाइन का और यहाँ पे आएगा आपके लाइन वाला, तो ये पे तो बिना लाइन का है, ये भी आपके, अच्छा फिर आपके उत्तर ये भी कट जाएगा, सी भी कट जाएगा, तो अब आपके बच्चा उत्तर बी और डी, अब आपको बी और डी में से देखना है, बी और डी में से देखना है, तो यहाँ पर है आपका, यहाँ पर दे रखा है बीच में कि ये दोनों अब आपके ये थे आपके बिना लाइन का, शुरू से देखते इसको, तो यहाँ बीच में जो है आपके बिना लाइन वाला आ जाएगा, ठीक है, इधर आपके लाइन वाला है तो इधर भी आपके वापस लाइन वाला ही आएगा, तो ये लाइन वाले से लाइन वाले मिल जाएगा, और इधर बिना लाइन और बिना लाइन का आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो इसका जो तीन है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी, तीन नहीं बी, बी वाला उत्तर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपको इसमें अगला प्रश्न बताना है, इसमें यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो ये जो झंडा है ये यहाँ पर इस तीर को देखें, ये तीर यहाँ पर है, इसमें ये ऊपर आ गई, इसमें ये ऊपर आ गई, तो इसमें आपकी यहाँ वाली आ जाएगी, तो यहाँ जो तीर है ये जो देखो झंडा है ये वाला, इस वाले में आपके यहाँ आ गई, इसमें ऊपर आ गई, तो अब आपके यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ जो झंडा है वो देख लो, तो यहाँ केवल एक तो इसमें है, एक इसमें और एक इसमें, ये गलत हो जाएगा, फिर आपके इसमें इसके बाद में एक लाइन छोड़ रखी और एक वापस ये बॉल है, तो बॉल वाला भी देखो, तो
तो ये तो आपके देखो दोनों ही त्रिभुज इसके ऊपर, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी आपके, एक मिनट इसको वापस चेक करते हैं। हाँ तो इसमें आपके दोनों ही त्रिभुज है, तो इसमें दोनों ही त्रिभुज आपके इस प्रकार से आ जाएंगे। तो ये तो एक बॉल और एक त्रिभुज, ये गलत हो जाएगा। और फिर आपके ये वाला देखते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके बी वाला। बी वाले में आपके ये यहाँ पे आ रहा है और ये वाला आपके यहाँ आ रहा है। तो ये जो बॉल है वो आपके इसके साथ नहीं आएगी, ये बॉल आपके इसके साथ नहीं आएगी, ये वाली बॉल ये आपके यहाँ पर आएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके बी वाला ऑप्शन, ये सी वाला भी इसमें गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें आपकी ये वाली आकृति पूरी करनी है, यहाँ पर आपके निशान लगा रखे, फिर आपके अब यहाँ निशान बनेंगे, तो यहाँ वाला आपको देखना है, ठीक है, यहाँ पर आपको निशान वाला देखना है और उसके ऊपर भी आपके कलर वाला होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर बिना कलर का है, बिना डिजाइन है, यहाँ एक तरफ ही डिजाइन है, यहाँ एक तरफ ही डिजाइन है, तो दोनों तरफ डिजाइन वाला कौन सा हो जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर बी, दोनों तरफ डिजाइन वाला अपना उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें आपकी कितने, एक दो तीन चार हैं, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात हैं, तो चार है फिर सात हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ है, तो कितने कितने बढ़ रहे हैं, तो इसमें आपके दो बढ़े, चार तीन दो, चार तीन फिर दो आए, फिर नीचे एक और आ जाएगा, तो चार तीन दो एक आ जाएगा, तो चार तीन दो एक आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये चार ये तीन ये दो और ये एक, इस प्रकार से आपको इसका उत्तर निकाल लेना है। इसका उत्तर कितना हो जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर ए। फिर आपके अगला प्रश्न है भाग पाँच में, इसको आपके दे रखा है प्रश्न 17 से 20 तक, प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न के सेट दिए गए हैं, ये दूसरा सेट एक प्रश्न में एक जो प्रश्न जिन्हें लगा रखा है ये वाला, ठीक है, और प्रथम के जो दो प्रश्न है वो एक निश्चित संबंध, यानी कि जो संबंध इन दोनों में है वही संबंध इन दोनों का बताना है, ठीक है, जो संबंध पहले दूसरे का है वही तीसरे चौथे का होगा। तो इसमें क्या क्या संबंध है वो देख लेते हैं, तो ये जो संबंध है वैसे वैसे संबंध आपको इनमें बताना है। इसमें ये संबंध है कि ये एक चौकोर डिब्बा है, ये एक चौकोर डिब्बा है, इसमें भी चौकोर डिब्बा है, इसमें आपके इंटू लगा रखें कितने हैं, चार लगा रखें, तो आपके ये चार इंटू लगा रखें, इसमें आपके त्रिभुज है एक दो तीन त्रिभुज है, इसमें भी त्रिभुज बना लेंगे, इसमें चार, इसमें चार, इसके चार कोने हैं तो चार इंटू लगाएं, इसमें तीन त्रिभुज है तो तीन कोने हैं तो इसमें आपके तीन ही इंटू लगेगा, तो तीन इंटू वाला इसमें सही हो जाएगा। अब तीन इंटू वाला कौन सा है, ये दो इंटू गलत है, ये दो गुणा वाला गलत है, ये तीन गुणा वाला है, तो उत्तर या बी या फिर डी में से होगा, लेकिन इसके तीनों ही कोनों के ऊपर ये लाइनें खींची हुई है, तो तीनों ही कोनों के ऊपर लाइनें इसमें तो नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है ये वाला 18वां, 18वें में पूछा गया है कि ये वाला देखो, इसमें इसका चिन्ह क्या बता रखा है, इसमें इसके इसके देखो जो चीज़ एक डायग्राम बना रखा है, इसमें इसका हाथ नीचे कर रखा है, तो इसमें भी इसका हाथ जो नीचे कर दिया, तो हम भी क्या करेंगे, इसमें इसका हाथ जो नीचे कर देंगे, तो इसमें नीचे वाला हाथ कौन सा है वो देखो, नीचे वाला हाथ देखो, इसमें नीचे वाला हाथ एक तो ये है, एक तो ये वाला नीचे हाथ है, ये ऊपर हाथ है तो गलत हो जाएगा, ऊपर हाथ है तो गलत हो जाएगा, ये नीचे हाथ है। फिर देखो उसमें और क्या चीज़ है, और है कि इसके जो पैर है वो ऊपर कर रखे, तो इसके भी पैर हम ऊपर कर देंगे, तो इसके पैर देखो नीचे, ये तो गलत हो जाएगा, इसके पैर पहले से ऊपर है लेकिन हाथ दोनों ऊपर है तो ये भी गलत हो जाएगा, और ये इसका एक ही पैर ऊपर है और इसका हाथ भी ऊंचे तो ये भी गलत हो जाएगा, तो आपके ये वाला जो उत्तर है वो सही हो जाएगा कि इसके हाथ नीचे पैर ऊपर है तो इसके भी हाथ नीचे और पैर ऊपर कर देंगे, ये हाथ नीचे और पैर ऊपर, अपना जो ऑप्शन नंबर चार है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न देखो, इसमें क्या दे रखा है कि ये चार दे रखा है, एक दो तीन चार, तो इसने चार का प्लस बना लिया, इसमें तीन दे रखे तो आपको तीन वाले प्लस तीन वाले डंडे खींचने पड़ेंगे, तो ये आपके तीन, ये भी तीन है तो तीनों में तीन ही है, लेकिन इसमें क्या कर रखा है कि ये मिलान नहीं करना है, यहाँ पे आपको मिलान नहीं करना है, तो देखो इसमें मिलान नहीं, ये खुला है ये बंद है यहाँ से, तो यहाँ पर ये भी बंद होने चाहिए, ये खुला है तो ये गलत हो जाएगा, ये सिंगल है, इसमें तीन तीन है, तो आपके फिर दो वाले ये सही हो जाएगा, ऐसे आकर आपको फिर इसमें दिखाई दे रही है, एक त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर गोला है, वृत्त है, फिर इसमें क्या किया, वृत्त को बाहर कर दिया और त्रिभुज को अंदर करके उसमें कलर भर दिया, हम क्या करेंगे इसमें वाले, इसमें भी वैसे ही करेंगे, ये जो त्रिभुज है इसको बाहर ले आएंगे अंदर वाले को, और इसके अंदर जो, इसके बाहर जो आपका ये वर्ग है इसके अंदर आप कलर भर देना, तो इसमें आप कलर भर जाएंगे, और कलर कैसे भरेंगे, ये वाले आकृति में आपको कलर भरना है, ठीक है, तो कलर भर देंगे, चार वाला तो एक ही इसमें,
तो ये केवल अंदर चार वाला केवल एक ही है। व्रत जो बाहर है उसको अंदर लिया है, अंदर वाले को बाहर लिया है, तो ये वाला उत्तर आपका सही इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया है भाग छः में 21 से 24 तक के प्रश्न ज्यामिति आकृति है, उसको बाईं भाग में दर्शाए गए हैं और दाईं ओर के चित्र से ज्यामिति आकृति को पूर्ण करने वाली आकृति ज्ञात करनी। यहाँ पर आपको एक आकृति पूरी करने के लिए बनाना है कि यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। तो यहाँ पर देखो, एक तो आपके ये वाली लाइन है तो इसको आपको पूरा करना है और एक लाइन आपके पूरी खींचनी है। तो ये आकृति कहाँ पे दिखाई दे रही है आपको? ये जो आकृति दिखाई दे रही है आपको ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है इसी में दिखाई दे रही है, बाकी ये बीच में मुड़ी हुई है। यहाँ पर एक लाइन डबल खींच रखी है जो गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी आकृति बनेगी ये वाली। तो ऐसी आकृति कहाँ दिखाई दे रही है आपको? केवल ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रही है, बाकी तो आपके ये तीन तीन लाइनें हैं, यहाँ दो लाइनें हैं और यहाँ लाइनें तिरछी घुमा रखी हैं, तो ये तो आपके होगा नहीं। तो अपना जो उत्तर है वो केवल आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आपके ये देखा इसमें, इसको पूरा करने के लिए यहाँ पे कैसी आकृति आएगी? तो यहाँ आकृति आ जाएगी ये वाली। ये वाली आकृति कहाँ दिखाई दे रही है? ठीक है, इस प्रकार से आकृति है ये वाली। ये वाली आकृति कहाँ दिखाई दे रही है? तो ये वाली जो आकृति, ये तो होगी नहीं, ये भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर दे रखा है। अगला प्रश्न आपको फिर इसको पूरा फिट करना है, तो ये कहाँ पे आएगी? तो ये यहाँ पे फिट आ जाएगी आपके इसके अंतर्गत, इसमें फिट आ जाएगी। ये इसमें होगा नहीं क्योंकि ये बिल्कुल पास में ये लंबी लाइन दे रखी है। ये बिल्कुल होगा नहीं क्योंकि यहाँ तो आपके थोड़ा सा टुकड़ा कटा हुआ है। ये भी नहीं होगा, ये पूरी लंबी लाइन है। तो अपना उत्तर आ जाएगा ये वाला। ये यहाँ पर इसकी आकृति मिल जाएगी, देखो इस सेम टू सेम आकृति यहाँ पे मिल गई। तो सी वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। इसको पूरी करनी है आकृति को। यहाँ आकृति पूरी करने के लिए आपको इस प्रकार से देखना है, तो ये वाली आकृति ऐसे बनेगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको आकृति बना लेते। ऐसी आकृति आपको कहाँ दिखाई दे रही है? ऐसी आकृति आपको ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें आपको दिखाई दे रही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सी। नेक्स्ट है फिर सातवां भाग है। सातवें भाग में आपसे पूछा गया है कि ए बी सी डी चार उसमें चित्र दिखाए गए और एक दर्पण है। आपको दर्पण दे रखा है, कांच दे रखा है, तो दर्पण में आपको देखने को दर्पण में कैसा दिखेगा? तो दर्पण में ध्यान रखना अक्षर उल्टे दिखते हैं, कुछ अक्षर उल्टे दिखेंगे, कुछ वैसे वैसे दिखेंगे। तो उल्टे अक्षर कौन कौन से होंगे? तो देखो इसमें दे रखा है ये सी आर ओ पी। तो सी जो है, ये जो लास्ट वाला है वो तो ये पहले वाला नंबर ये सबसे लास्ट में दिखेगा, तो ये जो पी है वो इसमें सबसे पहले आएगा। तो पी सबसे पहले किस में है? और उल्टा दिखेगा पी आपको, इसे ऐसे दिखेगा। तो ये तो सीधा दे रखा है तो गलत हो जाएगा, और इसमें सी पहले दे रखा तो सी आपका गलत हो जाएगा। उत्तर आपके इन दोनों में से एक होगा। इसमें लास्ट में क्या है? सी है, तो लास्ट में सी आना चाहिए। इसमें ओ आ रहा है, ये भी आपके गलत हो जाएगा। तो तीन तो ऐसे गलत हो गए। उत्तर हो जाएगा आपका इसमें पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन। इस प्रकार से आपको इसमें मिलान कर लेना है। देखो इसमें पहले सी बाद में दिखेगा सबसे लास्ट में, फिर आर आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आपका पी आएगा, और वो भी उल्टे दिखेंगे। ये पी आपका ऐसे हो जाएगा, ओ ऐसे हो जाएगा, आर ऐसे होगा और सी ऐसे होगा। तो ऐसी आकृति आपकी केवल इसी में दिखाई दे रही है। अपना उत्तर केवल बी हो जाएगा। इसकी आकृति ये वाला जो डिब्बा है वो इधर इसके पास में आ जाएगा, इधर इसके पास में आएगा, और फिर आपके ये जो लाइन है खड़ी लाइन वो ऐसे हो जाएगी और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा ये, और ये इसके पास में आ जाएगा। तो ऐसी आकृति कहाँ दिखाई दे रही है आपको? ऐसी आकृति जो दिखाई दे रही है आपके वो इसके पास में आएगी। ये डिब्बा जो है इसके पास में आ जाएगा, मतलब ये इसके इधर इधर चला जाएगा ये इस वाले हिस्से में। यहाँ पर डिब्बा आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर जो डिब्बा है आपको पहले वाला ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपके पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके ये वाली जो लाइन है, ये आपके ये जो ऐसी आकृति दिखाई दे रही है वो आपको कांच में ऐसी दिखाई देगी। तो ये तो सेम टू सेम ऐसे दिखाई दे, तो ये तो गलत हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगा। फिर इसमें से दिखेगा, इन दोनों में से कोई एक उत्तर है अपना, दोनों में से कौन सा वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो व्रत है, तो इधर भी व्रत ही होगा, यहाँ पर भी व्रत ही होगा। तो इसमें त्रिभुज दे रखा, तो ये त्रिभुज वाला गलत हो जाएगा। तो अपना उत्तर केवल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, इसमें आपको दे रखा है ये तीर का निशान दे रखा है, और तीर का निशान बाहर की ओर है, इसमें भी तीर का निशान बाहर की ओर है। तो अंदर जो चित्र बनेगा वो आपको ऐसे बनेगा, ये तीर के निशान ये इस प्रकार से चले जाएंगे। ठीक है, और ये आपको जो निशान है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये आपके निशान यहाँ आ जाएगा, और ये वाली आकृति आपके यहाँ दिखाई देगी। तो ऐसी आकृति आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है? ऑप्शन नंबर आपके बी में दिखाई दे रही है। तो ये वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। ये है लेकिन ये तो इसे मिल गए, इसमें इस आधे व्रत के साथ में मिल गए, तो ये तो नहीं होगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। फिर आपके भाग आठ है जिसमें 29 से
32 तक के प्रश्न दे रखे हैं। इस आकृति को कागज को मोड़ या कागज को पूरा करके आकृति बनानी है। तो ये कागज फोल्ड करेंगे, इस प्रकार से आएगा, फिर इसे मोड़ेंगे। तो जब इसको हम खोलेंगे तो आपकी ये वाली आकृति यहाँ पे भी बनेगी, ये वाली आकृति यहाँ पे भी बनेगी। इसको ऐसे खोलेंगे तो ये वाली आकृति यहाँ पे भी बनेगी और यहाँ पे भी बनेगी। फिर आपकी ये वाली आकृति नीचे भी आएगी, तो सेम टू सेम आकृति आपकी कहाँ पे आएगी, ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगी। कागज को मोड़ने पर इसकी आकृति इसके जैसी बनेगी। फिर ये वाली आकृति है, ये यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे आपका काला कर रखा है, तो सेम टू सेम इसको वैसे मोड़ेंगे तो ये उधर भी जाएगा, तो ये काला आपके इधर भी होगा और ये त्रिभुज के इधर भी बन जाएगा। इसको नीचे ले जाएंगे तो ये वाली आकृति आपको ऐसे ही बनेगी, ठीक है। ये वाली आकृति इस प्रकार से बन जाएगी, ये यहाँ पे भी आपके त्रिभुज आ जाएगा, इस पे भी त्रिभुज, यहाँ पे गोला, यहाँ पे गोला, तो बीच में आपका इस प्रकार की आकृति बनेगी। ऐसी ऐसी आकृति बीच में कहाँ पे बन रही है, तो इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो उत्तर आपका केवल सी हो जाएगा और चार डॉट आपके बीच में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या आएगा, आपके सी आ जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपके और भी पेपर लाने वाला हूँ इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। 31वां प्रश्न है, इस कागज को मोड़ेंगे तो ये वाली जो आकृति है वो ये आकृति वापस इधर भी आएगी और ये वाली आकृति वापस इधर भी आएगी, ये भी इधर भी आएगी, ऐसी आकृति केवल आपके सी में दिखाई दे रही है, ठीक है। ये वाली उत्तर हो जाएगा इसका, और ये आकृति वापस सेम टू सेम इधर भी आएगी, तो इस प्रकार से इसका उत्तर केवल ये वाला होगा, सी वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस दूसरा है, इसमें ये वाला बराबर का निशान है, तो जब इसको हम इधर खोलेंगे तो बराबर इधर आएगा और ये वाला लाइन इधर आ जाएगी। इसको नीचे लाएंगे तो नीचे ये लाइन पूरी आ जाएगी और ये बीच में दो बराबर और आ जाएंगे। ऐसी आकृति बनाने तो ये वाली आकृति इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 9वें प्रश्न में, तो प्रश्न संख्या 33 में भाग 9 में आपके पूछा गया है कि बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दे रखा है और दाईं ओर इसमें चार जो चिन्हित प्रश्न का उत्तर दर्शाए गए हैं, तो इनको जोड़ने पर कैसे आकृति बनेगी वो आपको इसमें देखना है। तो इन चारों को जब हम जोड़ेंगे तो कैसे आकृति बनेगी, इसको जोड़ेंगे तो ये पास पास में आ जाएंगी, प्लस बन जाएगा, तो प्लस बनेगा तो ये आपकी आकृति इसके जैसी बनेगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन चारों को जोड़ेंगे तो एक वर्ग बनेगा ये, तो ये वर्ग वाली आकृति आपकी ये हो जाएगी, बी वाला ऑप्शन इसमें। इनको जोड़ेंगे तीनों को तो इसी जो आकृति है वो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रही है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ने पर आपकी आकृति ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। तीन त्रिभुज इस प्रकार से आपके आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपके भाग 10 में इसमें आपके एक दे रखा है, बाईं ओर एक प्रश्न चिन्ह दे रखा है और ABCD चार उत्तर दे रखे हैं। इसमें से आपको छिपा हुआ देखना है कि ऐसी आकृति आपको कहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। सेम टू सेम आकृति आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है, इसमें देखो, इसमें तो आपके ये लाइन ही आ रही है, ये लाइन ही आ रही है और ये लाइन ही आ रही है। आपके इसके ऊपर की भी आकृति देखनी, ये वाली आकृति, तो ये वाली आकृति केवल आपको इसमें दिखाई देगी, ये वाली आकृति केवल आपके यहाँ पे दिखाई दे रही है, देखो। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, इसमें ऐसी आकृति कहाँ दिखाई दे रही है, तो ये ऐसी आकृति आपको केवल जो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है इसमें दिखाई दे रही है, बाकी और ऐसी आकृति आपको किसी में नहीं दिखाई देगी। फिर आपको ऐसी आकृति देखनी, तो ऐसी आकृति आपको केवल डी में दिखाई दे रही है। फिर 40वीं ऐसी आकृति आपको केवल इस सी में दिखाई दे रही है, और ऐसी आकृति आपकी किसी में नहीं है। तो इस प्रकार से ये तो आपके 40 प्रश्न हो गए। अब आपके गणित के क्वेश्चन, गणित से पहले हम आपके हिंदी के प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है, फिर आपके गणित के भी देखेंगे। हिंदी का जो आपके भाग खंड स है, यानी कि तीसरा खंड है, इसमें आपको चार अनुच्छेद देंगे और इसमें से आपके पांच-पांच प्रश्न या चार-चार प्रश्न, पांच-पांच प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला अनुच्छेद ये कि सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले अपने प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। इस समूह में मगरमच्छ, सिपगलियाँ और कछुओं को भी शामिल किया जाता है। सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि सभी जगह पर पाए जाते हैं। वे साल भर बर्फ में ढक के रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते हैं। सांपों की दृष्टि बहुत ही कमजोर होती है। क्षति से बचने और भोजन पाने के लिए वे अन्य इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं और अधिकतर वे अपनी जिंघ से सूंघते हैं। सांप के शरीर पर कोशिकाओं की परतों से बनी सलकों से ढका रहता है और वर्ष भर कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत को छोड़ देता है। इस बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, कैंचुली कहते हैं, और उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत जो बाहरी परत का निर्माण कर देती हैं, जो कि सुरक्षा करती हैं। तो सांप को कहा जाता है, तो सांप को रेंगने वाला कहा जाता है। देखो, सांप को रेंगने वाला प्राणी कहा जाता है, यहाँ पे आ जाएगा आपके रेंगने वाला। ऐसे आपको मिलान करना है इसमें से। सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते हैं, तो सांप है जो बर्फीले स्थान पर है जो जीवित नहीं रह सकते हैं, बर्फ से ढके स्थान पर जीवित नहीं रह सकते हैं, तो बर्फ से जमे स्थानों पर जीवित नहीं रह सकता है। सांपों की कमजोर होती हैं, कौन सी कमजोर होती हैं, तो सांप की जो कौन सी स्थिति कमजोर होती है, देखने की, यहाँ पे आया था आपकी दृष्टि बहुत कमजोर होती है, सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है, तो यहाँ पे
सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है, इसका उत्तर हो जाएगा आपके दृष्टि। सांप को चोट लगने से बचाती हैं तो जो उसकी बाहरी शल्क होती हैं वो उनको कोशिकाओं से बनी होती है वो उसको चोट लगने से बचाती है, तो ये आपके शल्क हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें शल्क हो जाएगा। और जीवित रहना शब्द का अभिप्राय है, तो जीवित रहने का मतलब ये है कि जीना, जीवित रहने का मतलब क्या है, जीना, ये हो जाएगा आपके जीवित रहना। ऐसे आपको जो प्रश्नों के उत्तर निकालने हैं, इसकी PDF आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना, बाद में लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हम अगला प्रश्न है, फिर आपके अगले प्रश्न में एक अनुच्छेद दे रखा है दो, इसमें एक बार हम गांव गए और जहां परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे, वहां हमें अपने किसी परिवार के कृत्रिम फल सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। हमने वहां ऐसे उत्तम आकार और रंगों से बने सेब संतरे और टमाटर देखे कि असली और उसमें अंतर करना मुश्किल था, प्रत्येक ने उसकी बहुत प्रशंसा की थी। तो यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, कुछ परिवार ने मिट्टी के चिकनी मिट्टी के क्या बनाए थे, चिकनी मिट्टी के बना रखे थे आपके बर्तन, तो बर्तन और क्या बना रखे थे, फल और चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे, तो चिकनी मिट्टी के आपके इसमें बर्तन आ जाएगा, बर्तन और खिलौने, तो यहाँ पे आएगा आपके कृत्रिम फल और सब्जियां जो कि चिकनी मिट्टी से बनाए गए थे, तो इसमें इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके फल और सब्जियां। देखो यहाँ पे खिलौने नहीं आया है, इसमें आपके कहीं पे भी खिलौने का जिक्र नहीं हुआ है, तो खिलौने तो वैसे ही गलत हो जाएगा, बर्तन जरूर है लेकिन इसमें खिलौने नहीं है। हम मुश्किल से ही फलों और असली में अंतर कर सके, किस में, तो यहाँ पे क्या है, कृत्रिम फल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके कृत्रिम फल। यहाँ पे हम मुश्किल से जो कृत्रिम और सब्जियों में अंतर कर पाए थे। फिर आए हैं ऐसे, तो ऐसे शब्द किसके लिए आए हैं, तो ऐसे आए आपके समुच्चय बोधक, क्या है, समुच्चय बोधक, वहाँ हमने ऐसे, तो इसमें आ जाएगा आपके समुच्चय बोधक। भेद का समानार्थी बताने, भेद का मतलब होता है अंतर, डिफरेंट करना, तो अंतर हो जाएगा इसमें आपके डिफरेंट, भेद। फिर आपके प्रत्येक शब्द का वही अर्थ है, प्रत्येक का मतलब हर चीज, हर एक चीज, तो प्रत्येक का मतलब हो जाएगा आपके हर एक, विशेष नहीं होगा, सटीक नहीं होगा, ये आपके अर्थ भी देखना है, इस प्रकार से आपको इसका अर्थ भी पता चल जाएगा, इसमें हर एक आएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके हर एक, प्रत्येक का मतलब हर एक, हर वस्तु। फिर आपके अनुच्छेद 3 में देखो, यह रविवार का दिन था, हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ जो खेल रहा था, निकट में एक तालाब था, हरीश तैरना चाहता था, वह छपाक से तालाब में कूद गया, तालाब में दूसरे छोर पर पानी कुछ बत्तख थी और हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अचानक उसने जोर से आवाज़ सुनी, पानी छितर गया, उसने चारों तरफ देखा कि कहीं तालाब में गोता तो नहीं लगा है, उसे कोई नहीं दिखाई दिया। तो अब आपको क्या करना है, इसके उत्तर देखने, हरीश पार्क में अपने के साथ खेल रहा था, किसके साथ खेल रहा था, मित्रों के साथ, तो यहाँ पर आएगा आपके मित्रों के साथ, भाई नहीं थे, सहपाठी नहीं थे, टोली नहीं थी, तो मित्र आ जाएंगे इसमें। दूसरा है कि हरीश किसके लिए तालाब में कूदा, तो हरीश छपाक से हरीश तैरना चाहता था, हरीश क्या करना चाहता था, तैरना चाहता था, तो तैरने के लिए वो जो उसमें मछली पकड़ने के लिए थोड़ी गया था, नहीं गया था, बत्तख का पीछा करने के लिए भी नहीं गया था, स्नान करने के लिए भी नहीं गया था, तैरना चाहता था, वो तैरने के लिए गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके तैरने के लिए। मौसम कैसा था, मौसम कैसा था, तो मौसम जो था वो आपके यहाँ पे आया ठंडा पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए, तो मौसम कैसा था, फिर आपको हल्का जो गर्म था, बहुत गर्म नहीं था, हल्का गर्म था, पानी ठंडा था और मौसम है जो, इस प्रकार से आपको ये देख लेना है, हल्की धूप थी, हल्की धूप का मतलब बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं था। तालाब में और कौन था, तो तालाब में कुछ बतकियाँ थी, क्या थी, तालाब में कुछ बतकियाँ थी, यहाँ पर आया था तालाब में कुछ बतकियाँ थी, यहाँ पर आ जाएगा आपके बतकें, इसका उत्तर हो जाएगा आपके बतकें। फिर आपके गोता लगाना मुहावरे का मतलब, गोता लगाना शब्द का अर्थ बताना है, तो ये हो जाएगा आपके कूदना, गोता लगाना मतलब कूदना, अंदर कूद जाना। फिर आपके अनुच्छेद 4 दे रखा है, दूध सबसे अच्छा भोजन है और इसमें पानी चीनी चर्बी वसा जिनकी विटामिन प्रोटीन होते हैं, लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं, इंग्लैंड और अनेक अन्य ठंडे देशों में गाय होती हैं, अरब और मध्य एशिया में गर्म शुष्क स्थानों पर ऊँट होते हैं, भारत में गाय और भैंस दोनों हैं, अनेक स्थानों पर बकरियाँ होती हैं, यदि गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनका बहुत दूध मिलता है और दूध से मक्खन और चीज़ बना सकते हैं, यह ज़रूरी है कि जिस दूध का उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए, अशुद्ध दूध मानव शरीर को लाभ के बजाय हानि अधिक करता है। अब आपको इसके उत्तर देने, लोग पशुओं के दूध पीते हैं, तो लोग क्या करते हैं, अलग अलग पशुओं के दूध पीते हैं, ये लोग है जो भिन्न भिन्न, यहाँ पे आए ना लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते, यहाँ पे आपके आ जाएगा भिन्न भिन्न, ऐसे देखो लाइन टू लाइन आपको उत्तर मिल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके भिन्न भिन्न।
इसमें आपको भिन्न भिन्न भर देना है। अगला प्रश्न है, स्थानों में ऊंट होते हैं, ऊंट कहाँ पे होते हैं? ये यहाँ पे आ रखे हैं शुष्क, शुष्क यानी कि ठीक है गर्म स्थान पे। तो गर्म स्थान पे क्या होते हैं? जो शुष्क होते हैं, गर्म होते हैं, गर्म होते हैं वहाँ पे ऊंट होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके गर्म, ठीक है। और यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें दूध मिलता है, तो बहुत सारा दूध मिलता है, तो बहुत सारा दूध मिलता है, तो बहुत कम भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा, थोड़ा भी नहीं होगा, बहुत सारा दूध मिलता है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है, यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है, तो यहाँ पे बहुत दूध का हो जाएगा बहुत सारा। अगला प्रश्न है फिर आपके, इसमें आपसे पूछा गया है कि यह है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो, तो क्या है यह? अनावश्यक तो होगा नहीं, गैर जरूरी भी नहीं होगा, अनपेक्षित नहीं भी होगा, ये तीनों तो एक ही जैसे या जरूरी है। तो जरूरी का मतलब होता है आवश्यक, जरूरी का मतलब क्या होता है? आवश्यक होता है। तो जरूरी की जगह आपके आ जाएगा आवश्यक, है ना, मुझे जरूरी काम है, मुझे आवश्यक काम है, तो उसके जैसा आपको उपयोग करना है। हानि का जो समान अर्थ वाला शब्द बताना है, तो हानि का मतलब होता है नुकसान, लाभ नहीं होगा, मरम्मत नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, क्षति हो जाएगा, नुकसान, हानि का मतलब क्षति नुकसान, तो ये आपके उत्तर हो जाएगा इसमें। ये आपके जो हिंदी के प्रश्न आएंगे 20 प्रश्न, तो सबसे आसान आपके ये 20 प्रश्न भी आसान ही है, थोड़ा सा आपको हिंदी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो 20 में से आप जो अच्छे से नंबर इसमें प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपके अब गणित के प्रश्न भी हम इसमें देख लेते हैं, गणित के प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, हम और इसका वीडियो बनाएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो पूरे में से पूरे नंबर मिले। ये प्रश्न दे रखा है कि एक साइकिल की कीमत 20% घटोतरी और उसकी खरीदारी की मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है, दुकानदार की बिक्री पर क्या असर होगा? तो हमेशा जब भी ये सब प्रश्न आए, बढ़े और घटे, लाभ या हानि पूछें, जैसे एक पे लाभ और दूसरे पे हानि हो, तो ऐसे में आपकी क्या होता है? हमेशा हानि होती है, ठीक है, कमी होती है। तो आपको हानि कैसे ज्ञात करनी है? तो इन दोनों को गुणा करके, 20 को 20 से गुणा करके फिर आपको 100 का भाग दे देना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। और इस ऐसे प्रश्नों में हमेशा हानि होती है, कमी ही होती है, तो ये बढ़ोतरी तो होगी नहीं, 10 तो गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके पहला ऑप्शन, 4% की कमी होगी या 4% की हानि होगी। ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि एक दो घोड़ा, एक को 10% की लाभ पे, दूसरे को 10% की हानि पे बेचा, तो व्यापारी को कुल कितना फायदा हुआ? तो उसमें आपके फिर 1% का जो हानि होगी। अगला प्रश्न है फिर आपके, इसमें एक कमरे की लंबाई ये है और उसकी फर्श की चौड़ाई ये दे रखी है इसमें, और इसमें आपको इतनी टाइलें लगानी है, तो आपको कितनी टाइलों की कमरे की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो कमरे की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए इसमें आपको क्या करना है, लंबाई दे रखी है और फर्श की जो है टाइलें हैं इनकी संख्या दे रखी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टाइलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, कमरे की जो लंबाई चौड़ाई है उसमें एक टाइल की लंबाई चौड़ाई का भाग देंगे, तो ये 15 मीटर है, तो इसको हम करेंगे 1500 मीटर, तो 1500 मीटर इंटू चौड़ाई और बट्टे में आ जाएगा आपका 15 इंटू 12, और बराबर में कितना दे रखा आपको 7500। तो इसको हम चौड़ाई ज्ञात करने के लिए इस 15 से 15 को काटेंगे, ये 100 बार कटेगा, फिर चौड़ाई ज्ञात करने के लिए ये 12 तो चले जाएंगे ऊपर और ये 100 आ जाएंगे इसके नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे 12 को 75 से गुणा करेंगे, तो 12 पंजे 60 का 0 हासिल का 6 बाद 72 और 4 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, सॉरी हाँ इसको वापस देखते हैं, देखो 12 पंजे 60 का 0 हासिल का 6 और 12 साथ 84 और 6 कितने हो जाएंगे 90 हो जाएंगे, ये 900 सेंटीमीटर है, हमको मीटर में ज्ञात करना है, तो इसमें 100 का भाग देंगे तो 9 मीटर इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें आपको 8% वार्षिक साधन ब्याज की दर से कितने वर्षों का ब्याज, ये 1500 से जो आपके 1800 हो जाएगा, तो इसमें आपको पहले ब्याज देखना पड़ेगा, ब्याज कितना है इसका, 1500 रुपये थे उसके 1800 हो गए, तो ब्याज कितना हो जाएगा 300 रुपये ब्याज हो जाएगा, तो ये 300 इसका ब्याज आएगा, 1800 में से 1500 घटाएंगे तो 300 रुपये तो ब्याज है। समय ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, इसमें वो सूत्र लगाएंगे, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, तो ब्याज बराबर हो जाएगा आपके, ब्याज बराबर एक मिनट ये आपके आएगा, ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर और बटे में आएगा आपके 100। ब्याज कितना है आपके, ब्याज है आपके अभी आया 300 रुपये, तो ब्याज तो हो जाएगा इसका 300 रुपये, बराबर मूलधन कितना है 1500 रुपये, और समय आपको ज्ञात करना है समय, और दर कितनी देर की है, दर देर की आपको 8%, तो यहाँ पे लिख लेना है 8, बटे में आ जाएगा आपका 100। तो हम इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, हमें ज्ञात करना है समय, तो इस 15 और 8 को हटाओ यहाँ से, भाग में आ जाएंगे इसके, तो 15 इंटू 8 हो जाएगा, 15 के पार से ये कटेगा आपके
दो बार 30 और 20 बार, फिर 20 में भाग देंगे हम 8 का, तो 20 में 8 का भाग देंगे तो 8 का भाग इसमें कितने बार चला जाएगा, 8 दूनी 16, कितने बचेंगे 4 बचेंगे और नीचे 8 है तो 4 और 8 एक बटा दो बार कट जाएगा, तो 2 सही 1 बटा दो उत्तर आएगा, तो इसका उत्तर आएगा 2 सही 1 बटा दो। अगला प्रश्न है फिर आपके, एक शीशे का घन है जिसकी भुजा दैर्ध्य 6 सेंटीमीटर, इसको पिघला कर 27 घन बनाए जाते हैं, इस प्रकार के बने प्रत्येक घन का आपको भुजा ज्ञात करनी है, तो आपको 6 सेमी वाले का क्या करना है, पहले आयतन ज्ञात करना है उसमें फिर 27 का भाग देना है, तो आपके उत्तर आ जाएगा कितना आएगा आपके 2.0 सेंटीमीटर। फिर इसको आपको दशमलव बिंदु में बदलना है, दशमलव बिंदु में बदलने के लिए 12 तो वैसे वैसे आएगा, 12 ऐसे ऐसे आएगा तो आपको एक में भाग देना है 16 का, ठीक है 12 तो वैसे वैसे आएगा, एक में भाग देना है 16 का, 16 में 16 का भाग एक में नहीं जाएगा तो हम पॉइंट लगाएंगे, ठीक है पॉइंट लगाने के बाद में यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 10 पॉइंट लगाने के बाद में भाग नहीं जाएगा तो हम पहले यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे, फिर यहाँ पे 100 हो जाएगा, फिर आपके 100 में भाग जाएगा 12 का, तो 12 पंजे ये 16 का भाग जाएगा, 16 पंजे 80 और 16 संख 96, 6 बार भाग जाएगा 16 संख 96, 4 बचेगा फिर जीरो लगा देंगे तो 16 दूनी 32, तो 16 दूनी 32, फिर 8 बचेगा 16 पंजे 80, तो यह आएगा 0625, तो ये वाला किस में दिखाई दे रहा है, तो 0.0625, तो 12.0625 आपके ऑप्शन नंबर सा में दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से आपको अगला प्रश्न देखना है, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ये कि 600 रुपये की एक राशि 4 वर्ष में 720 रुपये हो जाती हैं, यदि 2% ब्याज अधिक होता दर अधिक होती तो आपके 4 वर्ष में कितनी हो जाती, इसका उत्तर हो जाएगा आपके 768। फिर आपको इसमें बोर्ड मास का नियम लगाना है, सबसे पहले भाग करेंगे फिर इसमें आप कोष्टक, सबसे पहले इस कोष्टक को हल करेंगे, तो कोष्टक को हल करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा आपके कितना आएगा आपके 4 आ जाएगा, फिर 4 भाग 2 प्लस 16 में 8 का भाग 2 बार जाएगा इंटू 2 प्लस 10 में 5 का भाग 2 बार जाएगा और इंटू 3 और 2 5 हो जाएगा, ये गुणा और भाग, अब ये कोष्टक हट गया, भाग करो पहले 4 में 2 का भाग 2 बार प्लस ये 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा, अब इसको जोड़ कर लो 4 और 2 6 और 10 16 हो जाएगा, उत्तर कितना आएगा इसका 16। 2100 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखना है, तो 2100 को हम यहाँ पे टुकड़े कर लेते हैं, सबसे पहले हम 2100 में भाग देंगे, 2100 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा एक बार 5 बार सॉरी एक बार 0 और 50 1050, फिर 2 का भाग देंगे तो ये आएगा आपके 525, अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा 3 का देंगे तो 3 का भाग जाएगा इसमें एक बार फिर 7 बार फिर आपके 5 बार फिर इसमें एक बार, अब आपके इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा तो इसमें 5 का भाग देंगे तो 3 बार और 5 बार फिर 5 का भाग जाएगा 7 बार फिर 7 का एक बार, 2 बार 2 हैं, एक बार 3 2 बार 5 एक बार 7 2 2 3 5 5 7, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट फिर आपके क्वेश्चन नंबर 49, देखो ये गलत हो जाएगा, 4 का भाग नहीं दिया जाता, अब गुणनखंड में 4 नहीं आता तो ये 4 तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसका उत्तर आपके 2 2 3 5 5 7 वाला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक होल की लंबाई चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर हो तो होल का परिमाप ये है तो उसके फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, देखो अंतर दे रखा है कितना है 23 है और आपको उसका परिमाप दे रखा है 206, तो उसका फर्श का क्षेत्रफल आएगा 25 मीटर स्क्वायर। फिर एक तार की लंबाई दे रखी है, इसको तार टूट जाता है तो दूसरे भाग पहला भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, तो तार के बड़े भाग की लंबाई ज्ञात करनी, तो इसको उत्तर हो जाएगा 1 सही 11/16। अगला प्रश्न है फिर आपके, इसको सरल करने पर कितना परिणाम आता है वो ज्ञात करना है, तो ये 2 सही 1/17 को लिखेंगे, 17 34 और 1 35, तो 35/17 हो जाएगा 17, भाग को करेंगे गुणा में और ये बदल जाएगा आपके 10/7, फिर इसमें गुणा करेंगे तो 33 और 1 34 हो जाएगा, तो इंटू आएगा आपके 34/33, ठीक है, तो इसमें आपको मिलान कर लेना है इन सभी को गुणा करके, ये कट जाएगा 7 के पार से एक बार, ये कटेगा 5 बार, 17 के पार से एक बार, ये कटेगा आपके 2 बार, तो बच कह रहा क्या रहा है इसमें आपके बचे हुए ये है कि ये तो आपके 50 और 100 हो जाएगा, तो 100 में भाग देना है 33 का, 33 का भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगा, 3 से 1/33 इसका उत्तर आ जाएगा,
ठीक है, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको सरल रूप में लिखना है। तो ये आपके 700 0.725, ठीक है, और इसमें आपके पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 4 0 लगेगा। इसको हम 5 के पारे से काटेंगे या डायरेक्ट आप 25 के पारे से काट दो, तो इसका उत्तर रहेगा आपके 29/400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दोनों का आपको लघुतम ज्ञात महत्तम दे रखा है, लघुतम ज्ञात करना है, तो हम महत्तम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा में लिखेंगे और इसका भाग दे देंगे। तो इसमें दोनों में आप इसका भाग दे दो 36 का, तो ये हो जाएगा आपके 72 × 180/36। 36 के पार से आएगा आपके एक बार और ये दो बार, 2 को 180 से गुणा करेंगे तो 360 इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके 360। एक संख्या के अंकों को पलटने, अंकों का योगफल घटा देने पर परिणाम स्वरूप हमेशा जो विभाजित होगी, तो ये हमेशा 9 से विभाजित होगी। दो अंकों की प्राकृत संख्या कौन सी है, तो दो अंकों की प्राकृत संख्या हो जाएगी आपके कितनी हो जाएगी ये आपके 99। अब इसमें देखो, लेकिन प्राकृत संख्या पूछे तो वैसे सभी प्राकृत संख्या, लेकिन यहाँ पे अभाज्य संख्या पूछना चाह रहे हैं, यहाँ पे अभाज्य प्राकृत संख्या, तो फिर अभाज्य आपके 89 हो जाएगा ये, ठीक है, ये वाला 90 नहीं होगा, 89 होगा, क्योंकि प्राकृत तो सभी हैं, ये भी प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक है, तो फिर हमारा उत्तर अभाज्य पूछ रहा है इसमें, तो 89 हो जाएगा। फिर आपके एक प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी एक स्टेशन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:15 पर चलती है और 90 किलोमीटर दूरी पर एक स्टेशन पर कितने बजे वो पहुँचेगी, तो ये वहाँ पहुँच जाएगी 3:30 बजे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपके 1000 कितनी है, 1000, 1000 में 2 का भाग देंगे 500, फिर 500 में 2 का भाग देंगे 250, 250 में भाग देंगे 2 का तो 125, 125 में 5 का देंगे 25, 25 में 5 का 5 बार, 5 में 5 का 1 बार, 3 बार 5, 3 बार 2 आपके ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें दे रखा है। इनका आपको लघुतम ज्ञात करना है, तो तीनों का लघुतम ज्ञात करने के लिए ये वाली लाइन खींचेंगे, यहाँ पे आपके 25, फिर आपके 45, फिर आपके 75, 5 का भाग दे दो 5 बार जाएगा 9 बार जाएगा, फिर आपके 75 25 15 बार जाएगा, फिर भाग दे दो इसमें 5 का, तो 5 का भाग 1 बार जाएगा 9 बार और 3 बार जाएगा, फिर 3 का दे दो तो 3 बार और 1 बार, फिर 3 का 1 बार और 1 बार, तो गुणा करेंगे इन चारों को, 5 और 25 और ये 9, तो 25 को हम 9 से गुणा करेंगे तो 225 इसका उत्तर आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा आपकी कितना आएगा, 225 आएगा। फिर आपको इनका योगफल ज्ञात करना है, तो दशमलव के नीचे दशमलव लाना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लाएंगे तो उसका जो उत्तर आएगा आपके 85.266 से आ जाएगा। इसको सरलीकरण के रूप में करना है, तो इसका जब हम पहले गुणा करेंगे, फिर हम इसमें जोड़ करेंगे, फिर इसमें माइनस करेंगे, तो कोष्ठक को हल करने के बाद में भाग गुणा जोड़ बाकी इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो 11 इसका उत्तर आएगा। तो इसी प्रकार से, तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक और वीडियो आपके आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी, ताकि आपको जो पूरा वीडियो मिल सके, और इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको हमारे ऐप के ऊपर, ऐप को डाउनलोड कर लेना, ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।